इस लाल लाल रंग के गुलाब को देखकर किसका मन प्रसन्न नहीं होगा। गुलाब है ही ऐसा जो सभी को पसंद आता है और साथ में इसके अंदर होती बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो होती है इसकी वो होती है कि ये हमारे स्किन को एकदम हाइड्रेटेड रखता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रोज़ वाटर। गर्मी के दिनों में स्पेशली हमें रोज़ वाटर की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहे, नरिश रहे और मॉइस्चराइज रहे। तो आज मैं आपके लिए रोज़ वाटर लेके आई हूँ, आप इसको ज़रूर घर पर बनाइए। इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं जो मैं आपको भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हम इस फेस को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इससे बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग होती है हमारे स्किन की। और इसका दूसरा यूज़ ये है कि हम फेस पैक या फेस मास्क बनाते समय थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा नरिश करता है वो हमारे स्किन को। इसके अलावा आँखों को बहुत अधिक ठंडक पहुँचाता है ये गुलाब जल। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे रोज़ वाटर को बनाना है। तो रोज़ वाटर बनाने के लिए मैंने लिए हैं गुलाब। आप किसी भी कलर का गुलाब यूज़ कर सकते हो। मैंने एकदम लाल सुर्ख कलर के गुलाब लिया है और उसकी पंखुड़ियाँ हैं उसको अलग कर लिया है और इसको मैं अब अच्छी तरह से पहले वॉश करूँगी। तो मैंने पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से प्रॉपरली 2-3 बार एकदम साफ पानी से इसको धो लेना है। और इसके बाद एक मैं लूँगी फ्राइंग पैन और इसमें मैं ये पंखुड़ियों को डाल दूँगी। थोड़ा सा वाटर ऐड करना है तो लगभग 1 कप के करीब इतना मुझे वाटर लेना है कि बस पंखुड़ियाँ मेरी उसमें भीग जाएं। ज़्यादा मुझे एक्सेस में वाटर नहीं लेना है। तो ये देखिए, ये दिख रही है आपको, सारी पंखुड़ियाँ भीगी हुई हैं। थोड़ा सा पानी में और डाल दूँगी और इसके बाद बस इसको मुझे लो फ्लेम पर रखना है और लो फ्लेम पर इसको मुझे उबालना है अच्छी तरह से ताकि जितना भी अरोमा है हमारे रोज़ का वो पानी में आ जाए। ठीक है, अब ये इसको हमें ढक लेना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इसको आटे की लोई से थोड़ा ढक लिया है क्योंकि रोज़ का कुछ भी जो भी अरोमा है वो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इसलिए कहीं से भी भाप निकलनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको आटे से ढक दिया है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बीच बीच में एक एक बार हिलाती रहूँगी, ज़्यादा देर नहीं हिलाना है ताकि क्योंकि अरोमा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बिल्कुल थोड़ी सी रुक रुक के मैं इसको हिलाऊँगी और लगभग मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगे मुझे इसको उबालने के लिए। तो मैंने अच्छी तरह से इसको उबाल दिया, ये देखिए बस इतना ही हमें इसको उबालना है। पूरा अर्क जो है वो रोज़ का उसमें चला गया है पानी में। अब इसको ढक के वापस से हम ठंडा होने रख देंगे और ठंडा होने के पहले जितनी भी भाप है ये सब हमें उसको बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देना है। तो अब ये ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद अब मैं इसको छलनी की सहायता से बिल्कुल छान लूँगी। आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है रोज़ का जो एक्चुअल कलर होता है। इसमें कोई भी हम आर्टिफिशियल फ्लेवर एसेंस वगैरह कुछ नहीं डालने वाले, ये बिल्कुल 100% नेचुरल रोज़ वाटर है। तो आप इसको ज़रूर ज़रूर बनाइए घर पे, और घर पे आप बनाओगे तो एकदम 100% आपको नेचुरल रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन ज़रूर ग्लो हो जाएगी उससे। अपने फेस को क्लीन करने के लिए इसका प्रयोग ज़रूर करें। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक स्प्रे वाली बॉटल में भर के रख दिया है। ये कम से कम आप इसको फ्रिज में रख दीजिए तो कम से कम 10 दिन तक आराम से ये आपका चलेगा। तो अगर आपको मेरे ये गुलाब जल बनाने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।